तो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें कहते हैं सिनोसाइडियल कैरियर वेव है, वोल्टेज इज एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन हो रहा है, ठीक है ना। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉडुलेटिंग वेव है मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव है वो कितना है 120, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी है भाई 80, समझ रहे हो ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ से, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम जब तुम लिखोगे यहाँ से, रिजल्टेंट मैक्सिमम को तुम लिख सकते हो यहाँ से, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग वेव, ठीक है यहाँ से, और ये आ जाएगा 120। और मिनिमम को लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग वेव 80, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा 80 और 200, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव आ जाएगा 100, ठीक है ना, यहाँ से 100 वोल्ट जो है ये आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड, ईच साइड बैंड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड। तो भाई ये मैकेनिक्स नहीं है कि कुछ भी दिमाग लगा दोगे, जो है उसी तो याद करके लिखोगे ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड मॉडुलेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई कैरियर वेव डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। तो मॉडुलेशन इंडेक्स या MAC डिवाइडेड बाई 2, तो मॉडुलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है M की वैल्यू वो क्या होती है भाई, तो मॉडुलेशन इंडेक्स होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग वेव और कैरियर वेव। तो अगर AC की वैल्यू 100 है तो AM की वैल्यू यहाँ से इसको AC यहाँ पर 100 रख दो, तो यहाँ से 100 रखोगे, 100 माइनस AM दैट इज 80। तो यहाँ से तुम देखोगे 100 माइनस 80 इज इक्वल टू AM, तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग वेव आ जाएगा वो आ जाएगा 20, ठीक है। तो जब इसको AM की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 20 अपॉन 100, मतलब यह आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से जो 1/5 ये वाली जो चीज़ मिल गई हमें, ये इतना मिल गया, ठीक है। तो अब हमें ये साइड बैंड निकाल लो, तो ईच साइड बैंड अगर यहाँ से निकालोगे तो ईच साइड बैंड, हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड इज इक्वल टू MAC/2। तो मॉडुलेशन इंडेक्स 1/5 आया और नीचे 2 था और एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव्स 100 था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 10 वोल्ट मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही है, ये गलत है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।